क्या आपका भी हैमस्ट्रिंग ब्रिज ACL सर्जरी के बाद ऐसे दिखता है, तो कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हो? हाय, आई एम डॉक्टर ध्रुवी गांधी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, टीम ऑर्थो स्पोर्ट्स थ्रेड्स फिजियो। जब भी हम ACL सर्जरी में हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज करते हैं, पर्टिकुलरली हम सेमी टेंडिनोसिस, दैट इज अ मीडियल हैमस्ट्रिंग, वो यूज करके हम अपना ACL बनाते हैं, तो जब भी हम ACL सर्जरी के बाद हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथनिंग प्रोग्रेस करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, कंसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो ज्यादातर देखा गया है कि लेटरल हैमस्ट्रिंग कंपेंसेशन बहुत कॉमन है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने मीडियल हैमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट लिया है और उससे हमने ACL बनाया है, तो वो जो मसल्स है मीडियल हैमस्ट्रिंग वो वीक हो जाती है, और उसके कंपेंसेशन में जो हमारी लेटरल हैमस्ट्रिंग है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। तो जब भी हम ब्रिज करते हैं तो पूरा वो लेटरल हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट ब्रिज हो जाता है। तो क्या वो सही है? नहीं। तो कैसे आप इसको करेक्ट वे में कर सकते हो और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग को प्रोग्रेस कर सकते हो? सो दिस इज द लेटरल हैमस्ट्रिंग कंपेंसेशन। क्योंकि हमारे जो मीडियल हैमस्ट्रिंग है जिसका ग्राफ्ट लिया है वो वीक हो गए है, तो ये लेटरल हैमस्ट्रिंग कंपेंसेशन है, जिसकी वजह से हमको जब भी ये हैमस्ट्रिंग ब्रिज होता है, ये जो हमारा फुट है वो ऐसे लेटरली रोटेट होते देखने को मिलता है। सो हम ये बॉल के क्यू की मदद से, आपके पास थेराबैंड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इसकी मदद से हम मीडियल हैमस्ट्रिंग को चैनलाइज कर सकते हैं ब्रिज एंड प्रेस विद द टो। सो दिस इज अ क्यूइंग विद एक्सरसाइज। आपको शोल्डर, नी, एंकल, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी के रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।